हेलो एवरीवन वेलकम टू वेदी फाइल तो अब हम बात करेंगे बच्चों ग्रुप वन एलिमेंट्स की किसकी ग्रुप वन एलिमेंट्स की बात करेंगे और उन्हें कहा जाता है एल्कली मेटल्स कहा जाता है हमने अब तक क्या पढ़ा जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है ग्रुप वन एलिमेंट्स कौन से होते हैं ग्रुप सेकंड क्या होते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जनरल वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है वो सब पढ़ लिया है अब हम इंडिविजुअली बात कर रहे हैं ग्रुप वन एलिमेंट्स जिन्हें मेटल्स भी कहा जाता है सो ग्रुप एलिमेंट्स की मैं दोबारा बात करूं कौन कौन से होंगे बच्चों वो होंगे हमारे लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबीडियम सीजियम फ्रांसियम ये सब आप देख पा रहे हैं ये हमारे क्या है ये हमारे ग्रुप वन एलिमेंट्स है एस ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर बात क्लियर है अब मैं बात करूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा एल्कली मेटल्स का जैसे लिथियम की मैं बात करूं लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इस तरह हम सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं ऑल द एल्कली मेटल्स हैव में एक इलेक्ट्रॉन होता है एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज नोबल गैस और उसके आगे एनएस वन मतलब नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन पहले आएगा और उसके बाद एन एस वन लगा देंगे हम तो वो हमारा एलक्ली मेटल का क्या बन जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा फॉर एग्जांपल मैं लिथियम की बात करता हूं सबसे पहले लिथियम की मैं बात करता हूं तो वो हो गया वन एस टू टू एस वन क्या हुआ लिथियम के लिए वन एस टू टू एस वन और अगर मैं वन एस टू की जगह क्या लिख दू हीलियम क्यों क्योंकि हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है

ये होता है सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब मैं क्या करता हूँ कर -E 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 जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब भरे हुए हैं और उसके बाद एक आ गया थ्री एस वन जो सोडियम को रिप्रेजेंट कर रहा है बात क्लियर है इसी तरह हम पोटेशियम का लिख सकते हैं पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिकेशन क्या होगा वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स 3s2, 3p6, 4s1. थ्री पी सिक्स लेट मीन फोर तक भरा जाएगा पोटेशियम के अंदर अब मैंने क्या किया 4s1 के अलावा जितने भी ऊपर लिखे हुए थे उन सबको आर्गन, आर्गन से रिप्लेस कर दिया और आर्गन क्या आगे लगा दिया 4s1. तो ये हो गया हमारा पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिकेशन इसी तरह हम रुबीडियम की बात करें तो रूबिडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक ये आप देख पा रहे हैं और उसके आगे हमको क्या कैसे लिख सकते हैं उसको लिख सकते हैं ब्रैकेट में अगर क्रिप्टॉन लिख दें उसके आगे फाइव वन लगा दो तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा इसी तरह सीजियम में ये इसका इलेक्ट्रॉनिक और उसके आगे 6S1 लगा सकते हैं इसी तरह फ्रांशियम के लिए डायरेक्ट अगर मैं बात फ्रांशियम के लिए हम बहुत कॉन्फ्य लिख सकते हैं पर अगर मैं डायरेक्ट बात करूं तो क्या लिख सकते हैं रेडॉन सेवन एस वन बात क्लियर है इस तरह हम सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्यशन की बात कर सकते हैं बात समझ में आप बात समझ में आपको कि किस तरह हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा सो द नंबर ऑफ वैलेंस बैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां पर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं बच्चों वन बिल्कुल नंबर ऑफ बैलेंशियल इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू वन विच ऑल्सो रिप्रेजेंट द ग्रुप नंबर ऑफ द पीरियोडिक टेबल जो क्या दिखाता है वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर ग्रुप नंबर भी शो करता है दैट अगर मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करूं आप सबने देखा कि इस पूरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगेशन के अंदर हमें वैलेंस में एक इलेक्ट्रॉन दिखाई दिया और वो एक इलेक्ट्रॉन हमें उस एस ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर उसका ग्रुप नंबर भी डिनोट कर रहा है दैट ये सभी एलिमेंट्स मेरे जो हैं वो क्या है ग्रुप वन एलिमेंट्स हैं बात क्लियर है ये थी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगेशन हमारा किसका फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स का अब मैं बात करता हूं एटॉमिक और आयोनिक रेडिय की एटॉमिक और आयोनिक रेडिये हम बहुत अच्छे से बच्चों थर्ड चैप्टर में पढ़ के आए थे इस चीज को जब हम पीरियोडिसिटी और क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे हम बात क्लियर है फिर भी हम एक जनरल सी बात कर लेते हैं द एल्कली मेटल्स हैव द लार्जेस्ट साइज इन द पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द पीरियडिक टेबल क्या बोला मैंने बच्चों जो हमारे एल्कली मेटल्स होते हैं कौन से ग्रुप वन मेटल्स जो होते हैं उनका उनके रेस्पेक्टिव पीरियड के अंदर सबसे बड़ा साइज होता है हम क्या बोलते हैं किसी भी टेबल में लेफ्ट से राइट right जाने पर साइज क्या होता है, बच्चों? होता है। means, जो मेरे 1 उनका साइज पूरे पीरियड के अंदर सबसे ज्यादा बड़ा होगा बात क्लियर है अब मैं बात करता हूं द आयोनिक रेडियन फॉर्मड बाय एल्कली मेटल्स आर स्मॉलर देन दैरेंट एटम क्या बोला मैंने बच्चों मैंने बोला कि कोई कैटाइन है मेरा कैटाइन मतलब पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज है जो कि किसी एक मेटल से फॉर्म हुआ है अगर उस पॉजिटिव चार्ज मैं साइज की बात करूं तो वो उसका जो पेरेंट एटम होगा उससे क्या होगा छोटा होगा फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं मैंने बात करी लिथियम की तो लिथियम के अंदर मैं बात करूं तो एल के अंदर तीन इलेक्ट्रॉन और तीन ही प्रोटोन होते हैं बात क्लियर है इसी तरह मैं बात करूं उसके कैटाइन की तो वो हो गया एल आई प्लस एल आई प्लस एक इलेक्ट्रॉन वहां से निकल चुका है तो अब क्या हुआ अब एल आई प्लस जो बना है उसके अंदर क्या चीज है उसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन और तीन प्रोटोन है तो दो इलेक्ट्रॉन और तीन प्रोटोन होने की वजह से प्रोटोन का नंबर ज्यादा है तो प्रोटोन का नंबर ज्यादा होने की वजह से क्या होगा वहां पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा न्यूक्लियस में चार्ज बढ़ जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा शेल्स को अपनी तरफ खींचेगा तो उसकी साइज छोटी हो जाएगी उसके पेरेंट एटम से बात क्लियर है तो हमने क्या बोला कैटाइन की साइज छोटी होती है उसके पेरेंट एटम से बात क्लियर है अब मैं बात करूं ग्रुप की द एटोमिक एंड आयोनिक रेडियो ऑफ एल्कली मेटल इनक्रीज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप क्या बोला मैंने अगर मैं किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ मूव करता हूं या फिर मैं कह दूं लिथियम से सीजियम की तरफ मूव करता हूं तो मेरी एटॉमिक और आयोनिक साइज इंक्रीज होती है बच्चों क्या होती है इंक्रीज होती है अब ऐसा क्यों होता है ये भी हमने पढ़ रखा है तो इसका एक लाइन में एक्सप्रेशन क्या देंगे हम बिकॉज द नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रही है और नंबर ऑफ शेल बढ़ने की वजह से एटॉमिक वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है उनका क्या हो रहा है देखो एक छोटा है फिर और बड़ा हो गया फिर और बड़ा हो गया देख पा रहे हैं आप सभी एलिमेंट्स को कि जैसे जैसे हम नीचे जाते जा रहे हैं हमारे एलिमेंट्स की साइज बढ़ती जा रही है दैट उनकी एटोमिक रेडियाई इंक्रीज हो रही है तो क्या बोला हमने पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर एटोमिक साइज डिक्रीज हो जाती है बट ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर एटोमिक साइज इंक्रीज हो जाती है बात क्लियर है यहां तक अब मैं बात करता हूं आयोनाइजेशन एंथेलिपी की कि आयोनाइजेशन एंथेलिपी में क्या फर्क पड़ेगा फर्स्ट आयोनाइेशन एनर्जी ऑफ एल्ली मेटल्स आर वेरी लो एज कंपेयर विद द अदर एलिमेंट्स ऑफ द सेम पीरियड क्या बात करी हमने हमने बोला कि जो हमारे एल्कली मेटल्स होते हैं उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है किसकी तुलना में उनके पीरियड के रेस्पेक्टिव पीरियड में जो एलिमेंट्स हैं उन सब के कंपेयर में हमारे जो एल्कली मेटल होते हैं या मैं बोल फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स होते हैं उनका आयोनाइन एनर्जी बहुत कम होता है ऐसा क्यों अगर साइज ज्यादा होगा तो वहां से इलेक्ट्रॉन क्या इजीली निकल जाएंगे बिल्कुल हमने ये सब पढ़ रखा है कि अगर साइज ज्यादा होगा तो आयोनाइन एनर्जी कम होगी मतलब वहां से इलेक्ट्रॉन बहुत ईजिली मूव कर जाएंगे बात क्लियर है फिर भी इसको पढ़ लेते हैं हम कि आयोनाइन एनर्जी जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है

वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होती है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के और अगर आयोनेशन एनर्जी की बात करूं मैं तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज ऑफ द एटम की दैट मींस अगर एटम की साइज ज्यादा होगी तो एनर्जी कम होगी बात क्लियर है तो रिलेशन क्या निकला हमारे पास कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के और आयोनेशन एनर्जी ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज ऑफ एटम की सो द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग साइज इज मोर डोमिनेंट

तो so ऑर्डर की बात करो तो मैं ऑर्डर क्या होगा बच्चों तो ऑर्डर क्या होगा सबसे ज्यादा आयोनेशन एनर्जी किसकी होगी लिथियम की होगी फिर सोडियम की होगी फिर पोटेशियम फिर रुबिडियम और सबसे कम आयोनेशन एनर्जी किसकी होगी बच्चों सीजियम की होगी दैट मींस सीजियम बहुत इजीली अपने पास से इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता है हमने पढ़ा था जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है वो अपने पास इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली निकाल देता है बात क्लियर है तो दो फैक्टर हम बात कर चुके हैं एक हमने पढ़ा एटोमिक और आयोनिक और एक हम पढ़ चुके हैं, या मैं दू, एनर्जी। बात क्लियर है सो हीट एनर्जी रिलीज व्हेन न्यू बॉन्ड्स आर मेड बिटवीन आयंस एंड वाटर मॉलिक्यूल इज नॉन एज हाइड्रेशन एन या मैं कह दू हाइड्रेशन एनर्जी वो एनर्जी जो वाटर के बीच में और आयंस के बीच में मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स और के बीच में बॉन्ड बनने के बाद रिलीज होती है उसे हम बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी बात क्लियर है हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है ठीक है तो अब हम बात करते हैं कि इसका ऑर्डर क्या होगा हाइड्रेशन एनर्जी का कि हाइड्रेशन एंड ऑफ एल्ली मेटल आयन डिक्रीज विद इंक्रीज इन द साइज क्या बोला मैंने जैसे जैसे साइज बढ़ेगी वैसे वैसे आयंस की हाइड्रेशन एनर्जी जो होगी मेटल आयंस की जो हाइड्रेशन एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी दैट मींस लिथियम प्लस जो आयन होगा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी फिर सोडियम प्लस की होगी फिर पोटेशियम प्लस की होगी फिर रूबीडियम प्लस और सीजियम प्लस की सबसे कम हाइड्रेशन एनर्जी होगी अब हमने ये तो बोल दिया है बच्चों कि ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज होती है अब ऐसा क्यों होता है फिर एक क्वेश्चन हो गया तो इनऑर्गेनिक में हमको हर सेंटेंस के पीछे क्वेश्चन मार्क लगा देना है तो हमें अपने आप एक्सप्लेनेशन समझ में आएगा कि ऐसा क्यों होता है उस चीज को ही हमें खोज करनी है कि ऐसा क्यों हो रहा है इस सीरीज में तो हमें ऑर्गेनिक बहुत अच्छी समझ में आ जाएगी बच्चों बात क्लियर है सो so, ऐसा क्यों होता है हाइड्रोजन एनर्जी का ऐसा ऑर्डर क्यों आता है सो एज वी नो दैट द ऑर्डर ऑफ एटोमिक रेडियाई ऑफ एल्ली मेटल इज दिस अगर मैं एटोमिक रेडियाई की बात करूं तो क्या होता है कि भाई सीजियम की सबसे ज्यादा साइज होती है फिर रूबीडियम की उससे बड़ी होती है और लिथियम हमारा सबसे छोटा आइटम होता है इसी तरह अगर मैं आयोनिक रेडिया की बात करूं तो आयोनिक रेडिया का ऑर्डर भी बिल्कुल ऐसे ही चलता है आप देख पा रहे हैं ये हमारा आयोनिक रेडिया का ऑर्डर है उसमें भी वही है सीजियम आयन सबसे बड़ा है फिर रूबीडियम आयन है फिर पोटेशियम आयन है और लिथियम आयन हमारा क्या है सबसे छोटा आयन है बात क्लियर है सो इफ वी टॉक अबाउट हाइड्रेशन देन इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑन द आयन एनर्जी की बात करूं मैं तो वो डायरेक्टली द आयन का That means, अगर ज़्यादा ज़्यादा होगा तो hydration energy होगी. But, इसे तो होगी हम कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि एल्कली मेटल में तो सब में प्लस वन चार्ज है तो इससे क्या हम बता पाएंगे किसके हाइड्रेशन ज्यादा होगी नहीं तो एक और रिलेशन क्या होता है हाइड्रेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ आयन जो आयन की साइज है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है हमारी हाइड्रेशन एनर्जी दैट मींस जैसे जैसे साइज बढ़ेगी हाइड्रेशन एनर्जी कम होती जाएगी बात क्लियर है सो so, ऑर्डर क्या आ गया हमारा हाइड्रेशन एनर्जी का लिथियम प्लस जो होगा उसकी सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगी सोडियम होगा लिथियम से कम फिर पोटेशियम हो जाएगा फिर रुबीडियम और फिर सीजियम प्लस आयन जो होगा उसकी सबसे कम हाइड्रेशन एनर्जी होगी फिर भी इसका ऐसा क्यों होता है उसको और समझ लेते हैं अच्छे से बिकॉज द मेटल आयन आर अट्रैक्ट द इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल क्या बोला मैंने मेटल्स होते हैं हमारे वो वाटर मॉलिक्यूल का जो ऑक्सीजन होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट होता है उसको अपनी तरफ खींचते हैं क्या करते हैं अपनी तरफ खींचते हैं एंड देयर एबिलिटी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल डिक्रीजेज व्हेन बी मूविंग डाउन द ग्रुप क्या बोला ऊपर से नीचे आने पर एलिमेंट्स की वाटर मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींचने की एबिलिटी क्या होती है डिक्रीज हो जाती है बच्चों क्या हो जाती है डिक्रीज हो जाती है अब ऐसा क्यों होता है कि ऊपर से नीचे आ रहे हैं अपन तो वाटर मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी डिक्रीज हो रही है ऐसा क्यों होता है बिकॉज द न्यूक्लियस ऑफ द आयन इज

वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो वो न्यूक्लियस उस वाटर मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा बट मैं बात करूं लीथियम की आप लिथियम देख पा रहे हैं छोटी साइज है तो न्यूक्लियस जो होगा इसका वो वाटर मॉलिक्यूल का जो इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट है कौन सा ऑक्सीजन उसको अपनी तरफ बहुत इजीली अट्रैक्ट कर लेगा और बहुत इजीली अट्रैक्ट करके क्या कर लेगा मैक्सिमम हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज कर देगा ये यहाँ पर दैट मीनस जो छोटी साइज का एलिमेंट होगा उसके अंदर हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होगी और जो सबसे बड़ी साइज का होगा उसमें हाइड्रेशन एनर्जी बहुत कम रिलीज होगी बात क्लियर है सो द लिथियम प्लस हैज मैक्सिमम डिग्री ऑफ हाइड्रेशन एंड ड्यू टू दिस रीजन लिथियम सॉल्ट लाइक मोस्टली हाइड्रेटेड लिथियम सोल्ट जो होंगे हमारे वो क्या होंगे मोस्टली हाइड्रेटेड होंगे फॉर एग्जाम्पल एल आई सी एल डॉट टू एच टू ओ एलआईसीएल डॉट टू एच टू क्या है ये लिथियम सॉल्ट से जो हमको दिखा रहा है कि यहां पर हाइड्रेशन हो रखा है बात क्लियर है सो आई होप आपको ये सब जनरल प्रॉपर्टी समझ में आई होगी किसकी एल्कि मेटल की जनरल प्रॉपर्टी सही समझ में आई होगी इसके बाद हम बात करेंगे कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज की तो ये अभी हमने जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ी कि एटॉमिक साइज क्या होती है आयोनिक रेडियाई क्या होती है इन सब की बात करी आयोन एनर्जी का में क्या रोल होता है हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है ये जनरल चीजें हैं जो हमें आगे जाके काम में आने वाली है तो बच्चे इन्हें बहुत अच्छे से समझना है आपको ठीक है थैंक यू